गुरुवार को लोकसभा में तत्काल तलाक पर रोक बिल पास होने से मुस्लिम महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस बिल का देश के लगभग सभी सांसदों ने समर्थन किया है। अब यह बिल राज्यसभा में पास होने के लिए पेश किया जाएगा। तत्काल तलाक रोक बिल पास होने से एक तरफ जहां मुस्लिम महिलाओं में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपाई इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों ने शुक्रवार को टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी करके अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य इरफान अहमद, रिजवान अली, अजमेर आलम, मोहम्मद आमीन, इनामुल मोहम्मद, अयूब अंसारी सहित कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इरफान अहमद ने कहा कि एक समय में तीन बार तलाक कहकर किसी महिला को छोड़ देना, ये अपने आप में उस महिला के साथ बड़ी नाइंसाफी है। तीन तलाक विश्व के कई देशों में पहले से ही बैन है, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में तीन तलाक अब तक लागू था। उन्होंने कहा कि संसद में सभी सांसदों की सहमति पर यह बिल पास हो गया है। ये बिल मुस्लिम महिलाओं की एक बड़ी जीत है। खुशी आप लोग बना रहे हैं। तीन तलाक विधेयक लोकसभा में पास होने की खुशी में आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जो मुस्लिम महिलाओं के साथ वादा किया था, उस वादे को आज पूरा किया है। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में इस देश के महिलाओं का मान व सम्मान सुरक्षित रहेगा। उसको लेकर के आज मोर्चा के कार्यकर्ता मिठाइयाँ खिलाकर पटाखे छोड़कर खुशी का इजहार करने के लिए यहाँ पे आए हुए। कुछ मुस्लिम समाज के या संगठन के लोग हैं इस बिल को जो गैर संवैधानिक बता रहे, ये बता रहे कि उनके अधिकारों का हनन है। ये बिल देश के मुस्लिम महिलाओं के हित में है और देश की मुस्लिम महिलाओं ने भी इसका स्वागत किया है और हम लोग भी इसका सम्मान और स्वागत करने के लिए यहाँ पे आए हैं।